नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। आप देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। कैसे करनी चाहिए हमें अपने दिन की शुरुआत, हमारी राशि क्या कहती है, कौन सी योग हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं और कौन सा ऐसा काम है जिसे हमें करते हुए घर से बाहर निकलना चाहिए, यानी कि पूरे सप्ताह का हमारा राशिफल, यानी कि हमारी राशियां क्या कहती हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे क्या होता है आखिर में विष योग, और ये विष योग है क्या। शनि और जब चंद्र की युति बनती है हमारी कुंडली में तो उसके क्या परिणाम होते हैं, और वो परिणाम क्या हमें लाभ देते हैं, क्या हमें शुभता देते हैं या सिर्फ हमारा नुकसान करते हैं या सिर्फ हमें हानि पहुंचाते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रदीप राहल जी। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कहती है आपकी राशि, यानी कि आपका साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है, आपका आगामी पूरा सप्ताह। इसके बाद हम विषयोग के भी बारे में जानेंगे कि क्या होता है विषयोग, लेकिन सबसे पहले साप्ताहिक राशिफल। प्रदीप जी, सबसे पहले तो हम तीन राशियों के बारे में ही जानते हैं कि क्या कहती हैं तीन राशियां मेष, वृष और मिथुन। कैसे करना चाहिए इन लोगों को अपने दिन की शुरुआत? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों की शुरुआत थोड़ी सी टेंस परिस्थितियों से होगी, लेकिन इन टेंस परिस्थितियों से बावजूद भी आपको धन लाभ होंगे। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जो अभी तक रेंट पर नहीं गई थी, यानी कि उसमें कोई आपको टेनेंट नहीं मिल रहे थे, तो इस वीक में आपको वो टेनेंट मिल जाएंगे, यानी कि आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा और आपकी रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ सप्ताह के मिड में आपकी ट्रैवलिंग भी होनी है। उस ट्रैवलिंग आपकी ननिहाल पक्ष को लेकर हो सकती है, यानी कि आप मामा मौसी कुछ ऐसी जगह जा सकते हैं। इसके साथ साथ जब सप्ताह का अंत होगा तो आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, वो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए मुद्दों पर। तो मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह उत्तम रहने वाला है। सिर्फ सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी टेंस परिस्थितियों से हो सकती है। आपको मानसिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए आपको प्रतिदिन इस सप्ताह भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आप डेली शिव मंदिर में जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और जल चढ़ा कर आएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मानसिक किसी भी परिस्थितियों में आपको टेंशन की स्थिति नहीं बनेगी, यानी कि आप मानसिक रूप से संतुलित रहेंगे। तो कुल मिला के मेष राशि वाले के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। तो वृष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत आपकी प्रोफेशनल लाइफ से होने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ पे आपका दबदबा बनने वाला है, यानी कि आप जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसी परिस्थितियों में आपके बॉस, आपके कलीग्स, आपके सुपीरियर या आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो हर प्रकार से आपको सहयोग करने वाले हैं, यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ चमकने वाली है और आपका दबदबा वहाँ पर कायम होने वाला है। इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल गेन भी होने वाले हैं। इस सप्ताह आपका पूरा फोकस रहेगा कि कैसे मैं अपनी इनकम को बढ़ा लूं, कैसे मैं अपनी इनकम को डबल करूं, ट्रिपल करूं। कुल मिला के आप अपनी इनकम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे और उसके आपको उत्तम लाभ भी मिलेंगे। इसके साथ साथ सप्ताह के अंत में आते आते आपको थोड़ी सी कुछ हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, तो आप अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करके रखें, यानी कि कुछ समय अपने आप को भी दें। वैसे आपकी दिनचर्या अच्छी रहती है वृषभ वालों की, लेकिन फिर भी चूँकि आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा तो ऐसे में कुछ हद तक आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब हो सकती है, तो आप उसको वेल मेंटेन करें। इन परिस्थितियों से बचने के लिए अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तो आपके लिए उत्तम लाभ होगा, यानी कि आपको इस सप्ताह विष्णु जी की जरूर पूजा करनी चाहिए, और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो उससे उत्तम लाभ आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों की शुरुआत आपके दाम्पत्य जीवन से होगी। आपका दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जो अभी तक कुछ उठक पुठक चल रही थी, जो थोड़ी खटास थी, वो आपकी मिटने वाली है, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध होने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके अंदर पैसा कमाने की, इसके साथ साथ अपने आप को प्रूफ करने की जो क्षमता होगी, जो आपके अंदर एक चाह होगी, वो विशेष रूप से आपको लाभ पहुंचाने वाली है, यानी कि आप हर परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे और एक जज्बा आपके अंदर आएगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ करके दिखानी है और टाइम से पहले करनी है। स्पेसिफिकली अगर आप सेल्स से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो उसमें आपको उत्तम लाभ मिलने वाले हैं, यानी कि आप समय से पहले अपने टारगेट पूरा कर पाएंगे।
लेकिन फिर भी अपनी लाइफ को और बेहतर करने के लिए आपको इस सप्ताह कम से कम 5 पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए। किसी भी दिन आप लगा सकते हैं, अगर आप डेली एक पीपल का वृक्ष लगा दें या मंडे में ही लगा दें तो आपको उत्तम लाभ मिलेंगे। इससे आपके ऊपर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा होगी। तो कर्क राशि वाले जातकों की बात करते हैं, तो कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत जो होगी, कुछ मानसिक परेशानियां, इसके साथ साथ कुछ आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको उन पर ध्यान रखना होगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप उसका पूर्ण रूप से चेकअप कराएं और किसी भी ऐसी समस्या को आप इग्नोर ना करें, अदरवाइज आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ, अगर आप हेल्थ को अपनी मैनेज कर लेते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में आपके प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बन रहे हैं, यानी कि इस सप्ताह आपको प्रमोशन आपका हो सकता है, जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपकी फाइनेंस भी सुदृढ़ हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर कोई पहले से कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा था तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। यानी कि सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ पर। कुछ भी अगर आपकी हेल्थ में इशूज चल रहे हैं या कुछ भी ऐसा आपको फील भी आ रहा है कि मेरी कुछ हेल्थ में कुछ समस्याएं हैं, तो आपको उसका भी पूर्ण रूप से चेकअप करा लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपको प्रतिदिन शनि चालीसा का जाप करना है और प्रतिदिन आपको शनि मंदिर में जाके तेल का दिया जलाना है। इसके साथ साथ आपको छायादान करना है। छायादान में क्या होता है कि आप एक लोहे की कटोरी लेंगे, उसके अंदर एक सिक्का डालेंगे, सरसों का तेल भरेंगे, उसमें अपना चेहरा देखेंगे और उसको मंदिर में दे के आना है, रख के आना है शनि मंदिर में, और उस कटोरी को वापसी नहीं लेके आना है। जिस भी आप बर्तन में लेके जाते हैं तेल को, उसको वापसी नहीं लाना है। अगर ये करेंगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, तो सिंह राशि के जातकों की शुरुआत, आपके जो घर का एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस आपको फील हो सकता है, वहाँ पे कुछ गर्मा गर्मी का माहौल हो सकता है, तो आपको अपने घर का जो माहौल है, जो घर का डोमेस्टिक आपकी लाइफ है, वहाँ पे आपको बैलेंस बनाकर रखने की आवश्यकता है। अननेसेसरी वहाँ पर आप एग्रेशन ना दिखाएं, अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे आपके घर का माहौल भी ख़राब होगा, आप खुद भी उससे परेशान होंगे और आपके घर में जितने भी लोग रहते हैं, आपके माता पिता, आपके बच्चे, वाइफ, सबको उसका सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको आरामदायक एक कोशिश करना है कि आप वहाँ पर किसी प्रकार का इमिडिएटली रिएक्शंस ना दें या एकदम से गुस्से में ना आए। तो यानी कि कुल मिला के आपको घर के मामलों में गुस्से पे कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। लेकिन जहाँ तक बात है आपके संतान पक्ष की, तो वहाँ से आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावनाएँ हैं, यानी कि आपके बच्चे कुछ अच्छे करके दिखाएंगे। अगर उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उनमें वो अच्छे नंबर्स लेके आएंगे, उनका रिजल्ट उनके आपके फेवर में आएगा, तो जिससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो वो भी आपकी डील फाइनल हो सकती है। तो अगर आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो आप उसको फाइनल कर लीजिए। इसके साथ साथ सप्ताह के अंत तक आते आते कुछ आपकी रिलीजियस ट्रैवलिंग होने वाली है, यानी कि आपको धार्मिक स्थानों पर जाने का मौका मिल सकता है। सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको प्रतिदिन चाय, अगर आप कोढ़ियों को पिला सकते हैं, और हलवा, जो सूजी का हलवा होता है, अगर वो सूजी का हलवा और चाय अगर आप कोढ़ियों को खिलाते हैं तो सबसे अच्छा है। अगर वो नहीं भी मिलते हैं तो आप गरीबों को भी अगर चाय और हलवे का सेवन कराते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ आपको अपनी दिनचर्या पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आप उसमें लेजी ना हो, किसी प्रकार का चीज़ों को आप पोस्टपोन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, तो कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत, आपके ननिहाल पक्ष से आपको कुछ लाभ मिल सकता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको लाभ मिल सकता है, यानी कि आपके खिलाफ जितनी साजिश चल रही थी उनमें आपके शत्रु परास्त होंगे और आपको अल्टीमेटली वहाँ पर सक्सेस मिलने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप विवाह योग्य व्यक्ति हैं या महिला हैं तो आपके विवाह होने की पूर्ण संभावना है, यानी कि इस समय पर आपको सुयोग्य वर या वधु मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको कुछ पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, या अगर आप स्टॉक्स वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं तो आपको वहाँ पर भी विशेष रूप से लाभ मिलने की पूर्ण संभावना है। इसके साथ साथ अगर आप किसी ऐसी रिसर्च से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वहाँ पर भी कोई आपकी ऐसी रिसर्च होगी जो आपको आपका नाम कराने वाली होगी, यानी कि वहाँ पर आप कुछ अच्छा विशेष रूप से काम करने वाले हैं जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा गणेश जी को हरी दाल का भोग लगाना चाहिए या गणेश मंदिर में जाके गणेश जी को अर्पित करें दाल। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये सप्ताह अति उत्तम रहने वाला है। तो तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत फाइनेंशियल गेन से होने वाली है तथा इसके साथ साथ आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है।
आप जो भी कार्य इस सप्ताह अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। यानी कि किसी भी परिस्थिति में इस सप्ताह आपका सिर नहीं झुकने वाला है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियल से जुड़ी हुई चीज़ें हों, यानी कि हर जगह आपको आपके अनुकूल रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी कि आप जो भी इस सप्ताह चाह रहे थे वो आपके अनुकूल होने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस वर्क से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल अनुकूल समय आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। आपके मन मुताबिक आपको पार्टनर मिल जाएंगे जो आपको भी फाइनेंशियल गेन्स कराएंगे, यानी कि आपकी उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी रहेगी और इसमें आपको लाभ भी मिलेंगे। इसके साथ साथ जो आपका आसपास का माहौल है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो भी आपको सहयोग करने वाले हैं। यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह हर प्रकार से अति उत्तम रहने वाला है। सिर्फ इस सप्ताह अगर आप हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं, प्रतिदिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उससे भी आपको और अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी कि तुला राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत घर पर कुछ कलहपूर्ण स्थिति से होने वाली है, जिसमें आपकी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर पर कुछ वाद विवाद हो सकता है, पत्नी के साथ झगड़ा हो सकता है, बच्चों के साथ भी आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपके बच्चों में और आप में टकराव की स्थिति बने। तो आपको करना ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में इस सप्ताह रिएक्शन देने से बचें। अगर आप रिएक्शन से नहीं देंगे तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता है। जब अच्छा समय है तो वहाँ पे आप किसी भी प्रकार से कार्य करेंगे तो आपके फेवर में सारे रिजल्ट आएंगे, लेकिन अगर विपरीत समय है तो उस समय अगर आप धैर्य बनाकर रखेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट उसके मिलेंगे आने वाले समय में। तो आपको इस सप्ताह कुल मिला के धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको धैर्य बनाना है अपने घर की लाइफ में, यानी कि वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई रिएक्शंस नहीं देने हैं, क्योंकि अगर ये एक हफ्ता निकलेगा तो उसके बाद वो सारी सिचुएशंस भी आपके कंट्रोल में होने वाली है। इस सप्ताह को और अच्छा बनाने के लिए आप प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करें, नंबर वन। नंबर टू, आप कम से कम एक दिन शनिवार के दिन जाके, या किसी भी दिन, वेडनेसडे को जा सकते हैं, शनिवार को जा सकते हैं, आप तेल का दान करके आएं। तेल का दान आप शनि मंदिर में ना करके अगर आप गरीबों को करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप कहीं भी आपके आसपास जो भी गरीब रहते हैं या लेबर क्लास है, उनको आप सरसों का तेल अगर देते हैं तो आपके लिए सप्ताह उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी हेल्थ डिस्टर्बेंस के साथ हो सकती है, क्योंकि इस समय मंगल शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट है और वो आपके 12th और 3rd हाउस में हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में आपका लग्नेश या आपकी कुंडली में कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं तो आपकी भी हेल्थ ख़राब हो सकती है, अदरवाइज़ किसी फैमिली मेम्बर की भी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो आपको हेल्थ को किसी भी प्रकार से इग्नोर नहीं करना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर कुछ मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, यानी कि प्रॉपर दवाइयां अपनी लेते रहें। इसके साथ साथ इस समय आपका थोड़ा गुस्सा भी आपके अंदर बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य भी इस समय आपके लग्न में होंगे। तो अगर गुस्सा बढ़ता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर एक भावना आ सकती है कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि एक उसके साथ साथ क्या है कि आत्मसम्मान को लेकर भी आपका काफ़ी ज़्यादा इस समय एक अंदर से ऐसा आएगा कि नहीं, आत्मसम्मान बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। तो ऐसे में कई बार वो ईगो का रूप ले लेता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको संयम बनाने की आवश्यकता है कि बहुत ज़्यादा अपने गुस्से को या अपनी अहम को आगे ना लेके आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाकी सप्ताह ठीक रहने वाला है, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ आपकी ठीक रहेगी, फाइनेंस की दृष्टि से भी ठीक रहेगा, कुछ नए अवसर भी मिलेंगे आपको फाइनेंशियल दृष्टि से, बच्चों के संदर्भ में आपको विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। अगर आप लव लाइफ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपकी कोई लव लाइफ स्टार्ट हुई है तो वहाँ पर भी आपके फेवर में रिजल्ट आने वाले हैं। तो कुल मिला के अच्छा रहेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि मेडिकल पे अगर कुछ भी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, और अपने अहम को या अपनी सेल्फ इमेज को थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है, वहाँ पे आप रिएक्ट ना करें। सप्ताह को और अच्छा बनाने के लिए आपको माता की पूजा करनी चाहिए, विशेषकर अगर आप दुर्गा सप्तशती से दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। अगर उतना भी नहीं करते हैं, आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर लें तो वो भी आपके लिए सप्ताह को और अनुकूल बनाएगा। तो धनु राशि के लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है।
तो मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत होगी फाइनेंशियल गेन से। इसके साथ साथ आपकी वाणी पर इस समय माँ सरस्वती विराजमान होंगी, तो आप अपनी वाणी से जो बोलेंगे उसके अनुकूल आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, यानी कि आपकी वाणी मधुर होने वाली है, फाइनेंस बढ़ने वाला है, फैमिली में भी आपकी लाइफ अच्छी रहने वाली है। कोई प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हैं, यानी कि कुल मिला के इस सप्ताह चारों तरफ से आपको लाभ मिलने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी चमकने वाली है और इस समय आपके अंदर कुछ ऐसा जज्बा आएगा कि आप अपनी इमेज को कितना बनाना है, कैसे बनाना है, वो आपके अंदर एक स्किल आ जाएगा। तो इस सप्ताह कुल मिला के आप मौज करने वाले हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत आपके फाइनेंशियल लॉस से हो सकती है। अगर आप किसी को पैसा उधार देने का सोच रहे हैं या कोई आपसे पैसा उधार मांग रहा है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप उसको अभी इस सप्ताह एटलीस्ट आप उसको पोस्टपोन कर दें, या अगर आपको उधार देना भी है, कोई ऐसा बहुत क्लोज होता है, कई बार सिचुएशन होती है कि हमें देना पड़ता है, तो अपनी कैपेसिटी में रह के दें, उससे बाहर जाके किसी की मदद ना करें। अदरवाइज़ आपको हैवी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और बाद में आपको उसके लिए रिग्रेट होना पड़ेगा, आप पछताएंगे। तो अपने फाइनेंस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप अपने फाइनेंस पे और वाणी पे, दूसरा आप किसी को वाणी से भी किसी को अभद्र लैंग्वेज का भाषा का यूज़ ना करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके लिए भी आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा इनकम का जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तो आपकी सेविंग ख़राब कर सकता है जो मैंने अभी तक आपको बोला, लेकिन जो आपकी अर्निंग है, अर्निंग आपकी अच्छी रहेगी, कुछ आपको और भी अर्निंग्स हो सकती हैं, आपको स्टॉक से फ़ायदा हो सकता है, पैतृक संपत्ति से फ़ायदा हो सकता है, रेंटल आपका बढ़ सकता है, यानी कि इनकम में कमी नहीं होगी, लेकिन जो सेविंग्स हैं उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, वहाँ पर थोड़ा बहुत 19-20 आपका ऐसा हो सकता है कि आपके कलीग से, आपके बॉस से आपका थोड़ा खटपट हो, लेकिन अल्टीमेटली जीत आपकी होगी, वहाँ भी आपका दबदबा बना रहेगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सिर्फ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है अपनी सेविंग्स पर, यानी कि पैसा उधार देते समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर आप पार्टनरशिप करने की किसी के साथ सोच रहे हैं बिजनेस में, तो वहाँ पर आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। पूरा सप्ताह अगर आप डेली सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपकी फाइनेंस के लिए भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत ट्रैवलिंग के साथ होगी और उस ट्रैवलिंग में आपका कुछ नुकसान भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इस सप्ताह, तो आप अपने जो आपके बिलोंगिंग्स हैं उनका ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि वो खो जाएं और बाद में आपको पछताना पड़े। इसके साथ साथ आपके अंदर जो एक जज्बा आ गया है कि मुझे कुछ करके दिखाना है या जो मैं कर रहा हूँ मेरा नाम होना चाहिए, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा टेंशन हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि चीज़ें आपको थोड़ा डिले करके मिले। तो ऐसे में आप अपना ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं, थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें आपके अनुकूल ही होंगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ चमकने वाली है। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं, कोई आपका एग्ज़ाम है, जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, अपनी नौकरी के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है इस सप्ताह। तो यानी कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। सिर्फ ट्रैवलिंग में आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं वो कहीं ना खो जाएं। इसके साथ साथ अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी प्रमोशन आपका हो सकता है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं, फाइनेंस आपका बढ़ सकता है, तो वहाँ पर भी ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। और बेहतर बनाने के लिए सप्ताह आपको नित प्रतिदिन आपको विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए सप्ताह और ज़्यादा अनुकूल हो जाएगा। तो मीन राशि के लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। तो ये थी अंतिम तीन राशियां और इनके बारे में आपने जाना कि क्या उपाय करना है और कैसे करनी है अपने दिन की शुरुआत और कौन सी पूजा से हम अपने दिन को या अपने आगामी सप्ताह को बना सकते हैं बेहतर।